बाहर दिए देखो, वापस से उसी साइड बारिश का माहौल है, क्योंकि कल भी उसी साइड से बारिश आई थी जब मैं भाग के घर पे आया था, तो आज वापस से वहीं पे बारिश आने का माहौल है। तो हो सकता फिलहाल यहीं पे बैठा हुआ था, और आज का व्लॉग छोटा सा बनने वाला है मुझे लगता है, यहाँ तक 5 मिनट तक का बन जाए तो काफ़ी है, ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो यहाँ जो भी है जितना भी कुछ है, और इनके बछड़े वगैरह जो है छोटे बड़े सब क्रॉस करके चले जाते हैं पार, और उसके बाद यहाँ वापस आ जाते कर देंगे व्लॉग का यहीं पे एंड। फिलहाल दूध ले लेते हैं, और इसको खा रही है मक्खी जो कि मच्छर वगैरह, तो ये झोलनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जो है टाइम हो रहा है 10, तो फिलहाल सुबह से जो थी लाइट नहीं थी तो फोन मेरा डेड हो गया था, तो अब जो आई है तो मैं थोड़ा सा चार्ज कर भी लिया था, तो अब जो है कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग, और फिलहाल इसको कर देते हैं चार्ज क्योंकि ये 15% सारा है, तो चार्ज करके फिर मिलते हैं आपसे और आज का ब्लॉग आगे बनाते हैं। तो वैसे अभी जो है टाइम दोपहर का 1 बज चुका है, और फिलहाल करके कार्य काम जो है करके मैं गया था सो, और थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह की, और यहीं पे थोड़ा बहुत जो साफ सफाई था वो थोड़ा बहुत किया मैंने, और अभी जो है बाहर निकल तो देखा बारिश का माहौल हो चुका है, तो अभी चलते हैं बाहर। जो खाना भी खाना है अपने को क्योंकि सुबह खाया था एक बार, और बाहर दिए देखो वापस से उसी साइड बारिश का माहौल है, क्योंकि कल भी उसी साइड से बारिश आई थी जब मैं भाग के घर पे आया था, तो आज वापस से वहीं पे बारिश आने का माहौल है, तो हो सकता है आ जाए। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं सबसे पहले, मैं तुम्हारा भाई खाना डाल के, और अभी ये खा लेते हैं क्योंकि उसके बाद जो है बारिश लग जाएगी तो थोड़ा बहुत घर का काम भी करना पड़ेगा बाहर निकल के, तो फिलहाल खा लेते हैं सबसे पहले। तो वैस खाना ख़त्म, तो चलते हैं फिलहाल प्लेट छोड़ते हैं बाहर और काम वगैरह जो करते हैं। तो वैस फिलहाल खाना खा लिया था, आ चुके हैं बाहर, और ज़्यादा कोई काम नहीं है, ये बछड़ा है इसको बांधा हुआ था सुबह से, तो एक बार पानी पिला दिया था, एक बार और पिलाना पड़ेगा, बस ये काम था आज का। और इस टाइम पानी लाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, घर के बीच ही पानी है, तो यहीं से भर देते हैं और पिला देते हैं उसको। तो इसको पीने दे पानी, नहीं तो और लाना पड़ेगा अगर ये वाला पी लेगा तो और लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आधी सी खेती बाल्टी, तो उसको अभी और प्यास है, तो यहाँ से भरते हैं इस बार पूरी की पूरी। अब होगी फुल, अब आराम से पिएगा, पूरी की पूरी खाली कर देगा, और अभी पी लिया थोड़ा सा बचा भी दिया, तो इसको कर देते हैं यहीं पर खाली, इसको रख देते हैं इधर, तो फिलहाल चलते हैं वापस अंदर। तो भाई ठंडी ठंडी हवाएं आ चुकी है, और बारिश वापिस से लगने का माहौल जो है हो चुका है, और ये देखो हवा ही हवा है। एंड गाइस यहाँ सामने है इतनी तेज धूप, अब वो भी गायब हो गई क्योंकि यहाँ पे निकला हुआ था पहले सूरज बादलों के पीछे। तो भाई शाम का टाइम 4 बज चुके हैं, और गर्मा गर्म चाय अपनी अभ्यर्थी बना के दे दी, खुद भी पी रहा हूँ और बाहर भी, तो लाइट आ रही है सबसे पहले, एक जो है बढ़िया बात है क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई है। तो गाइस घर में चली गई लाइट, और फिलहाल ठंडे पानी के पास आके बैठा हुआ था यहाँ पे, और तभी का पानी जो है अभी इतना ज़्यादा नहीं, सुबह काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी और सुबह के टाइम ही तभी को पानी आया था, तो अब जो है कम हो गया। तो फिलहाल यहीं पे बैठा हुआ था, और आज का व्लॉग छोटा सा बनने वाला है मुझे लगता है, यहाँ तक 5 मिनट तक का बन जाए तो काफ़ी है, ज़्यादा चाहिए भी नहीं, तो ये चेक करो अभी इतनी तेज़ पीछे बारिश हुई ना, और अभी जो है वापस से मौसम एकदम क्लियर हो गया और पूरा का पूरा साफ हो गया, और बादल वगैरह सारे जो है वो हट चुके हैं। तो फिलहाल अभी अपने को घर वापस जाना है क्योंकि आए हुए यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, और फोन वगैरह ही चला रहा था और थोड़ा बहुत काम था वो किया, तो फिलहाल चलते हैं घर वापस। तो भाई साहब अपनी ठंडी वाली लोकेशन से घर आने के बाद अभी फिलहाल गाय को लेने के जाना पड़ेगा, क्योंकि यार वहाँ से आ रही है गाय तभी में, तो वो इधर उधर ना चली जाए। तो ये आ गई अपनी गाय, इसको लेके चलते हैं घर। तो इतना ज़्यादा पानी है इस टाइम तभी में, बरसात के मौसम में पानी तो मैक्सिमम होता ही होता है, तो ये हमारी गाय जो है कितना पानी होता है तभी मैं क्रॉस करके, गाय भैंस जो भी है जितना भी कुछ है, और इनके बछड़े वगैरह जो है छोटे बड़े सब क्रॉस करके चले जाते हैं पार, और उसके बाद यहाँ वापस आ जाते हैं क्योंकि शाम के टाइम इन्होंने 6-6:30 बजे के करीब घर अपने आना होता है वापस, तो गाय फिलहाल दूध भी देती है तो इसीलिए ये तो घर आ जाती है, बाकी वाले कम ही आते हैं। इसको चल के बांधते हैं घर, और बारिश वगैरह जो है रुक चुकी है, लेकिन खड्ड में पानी आ चुका है, तो खड्ड में थोड़ी सी बारिश ऊपरी साइड हो तो आ जाता है पानी, इसको लेके चलते हैं फिलहाल घर। तो वैसे तब अपने लोग ने गाय को घर भी लाया था, और अब जो है दूध भी ले रहे हैं ये देखो, और फिलहाल थोड़ी देर तक चलते हैं, अपन पानी की बाल्टी लानी है, एक लास्ट टाइम जो काम है अपना, बस फिर कर देंगे व्लॉग का यहीं पे एंड। फिलहाल दूध ले लेते हैं, और इसको खा रही है मक्खी जो कि मच्छर वगैरह, तो ये झोलनी पड़ेगी।
और ये इसका साथ में बांधा हुआ इसका बछड़ा। तो फिलहाल चलते हैं अब पानी लाने के लिए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, आज 7 बज चुके हैं और आके अपने को इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करनी है, जो कि मेरी दूसरी आईडी है, जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन सिर्फ उस पर रील अपलोड करता हूँ हर दिन, कोई एक आध दिन मिस हो जाते कोई बात नहीं। आज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर से फॉलो करना गाइस। एंड जो मेरा पर्सनल जो अकाउंट है वो तो मैं यूज़ करता ही हूँ, उसका लिंक तो मैं ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, उस पर भी अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर देना। तो बाकी अब चलते हैं पानी लाते हैं और उसके बाद खाना खा के कर देते हैं आज का व्लॉग एंड। तो गाइस अपना खाना है तैयार, तो फिलहाल खाते हैं और करते हैं आज का व्लॉग खत्म। तो गाइस खाना वगैरह हमने पिछले दिन खा लिया था, तो अब जो है टाइम रात के बज रहे हैं 10:24, तो फिलहाल अब जो है इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह कर रहे थे और थोड़ा सा काम लिखना था स्कूल का, ये लिख के मैं भी चला जाऊंगा बाहर। तो फिलहाल करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, अगर व्लॉग तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कल मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।